चलो तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कॉस 3π/4 + x माइनस कॉस 3π/4 - x दिया है LHS वाले साइड में, और RHS में अपने को लाना है -√2sin x। तो LHS को लिखा जाएगा कॉस 3π/4 + x। ये सॉल्व करते करते अपने को RHS तक पहुंचना है। तो आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो दिस इज़ कॉस ए प्लस बी फॉर्मेट, कॉस ए प्लस बी का जैसे दिख रहा है। और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है आप सबको पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया फर्स्ट। फिर दूसरा जो फॉर्मेट दिख रहा है वो कॉस ए माइनस बी जैसे दिख रहा है। तो कॉस ए माइनस बी को अपन लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सेकेंड जो फॉर्मेट है उसका फॉर्मूला लिखा है अपन ने, और फर्स्ट जो है उसका फॉर्मूला लिखा है। तो अब यहाँ पे आप जैसे कि ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पहला ब्रैकेट अपन ने ओपन कर दिया। दूसरा ब्रैकेट भी ओपन कर दे तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट हो जाएंगी, तो साइन ए साइन बी और ये साइन ए साइन बी आ जाएगा दो बार, तो आएगा -2sin A sin B। तो ए और बी का जो वैल्यू है वो देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो ए कौन है 3π/4, बी कौन है एक्स। देखो यहाँ पे भी ए का वैल्यू देख लो आप, ए मतलब है 3π/4, बी मतलब एक्स, ए मतलब है 3π/4 और बी मतलब है एक्स। तो यहाँ पे आएगा -2sin 3π/4 × sin x। तो -2 ऐसा कि वैसा, sin 3π/4 का वैल्यू क्या है सभी जन चेक कर लो, sin 3π/4 का वैल्यू देख लो, इट इज़ 1/√2, इट इज़ साइन एक्स। सो ये सॉल्व होके 2 × 1/√2 आ जाएगा -√2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। दिस इज़ योर RHS, चेक कर लो सभी जन। ओके चलो, थैंक यू।